जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक गोल्जी अपरेटस एंड लाइसोसोम्स, और आज के टॉपिक में हम गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी से स्टार्ट करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और लाइसोसोम्स के भी फंक्शंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये किन सेल्स में मौजूद होता है और उन सेल्स में ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सो स्टार्टिंग विद द गोल्जी अपरेटस, मेरा बच्चा, जो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है गोल्जी अपरेटस के हवाले से, वो है जी इसकी डिस्कवरी। तो एक साहब थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी, कैमिलो में डबल एल है, उन्होंने सबसे पहले गोल्जी को डिस्कवर किया और इस डिस्कवरी पे उनको नोबेल प्राइज भी मिला। नोबेल प्राइज जो उनको मिला था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसलिए आज मैं चाह रहा हूं कि इसको भी हम डिस्कस कर लें साथ ही साथ। जो कैमिलो गोल्जी साहब को नोबेल प्राइज मिला था, वो मिला था इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ये आपको याद रखना होगा फ्रॉम द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो कैमिलो गोल्जी साहब वो पहले बंदे थे बेटा जिन्होंने सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया। अब ये क्या है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा जी कि ये जो गोल्जी है ना, दे आर एक्चुअली अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। सैक का वर्ड अगेन, सैक का मतलब होता है बैग, थैला, पैकेट, इस तरह की चीज। यहां पर ये जो फ्लैटेंड का वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है कि ये जिन सैक्स की हम बात कर रहे हैं उनकी शेप फ्लैट है, फ्लैट है, बिल्कुल चिपटी है, ये सर्कुलर या स्फेरिकल फॉर्म में नहीं है बल्कि फ्लैट शेप पे है, जैसे आपकी किताब होती है, जैसे कीबोर्ड होता है, जैसे लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, तो बिल्कुल फ्लैट होती है। बिल्कुल उसी तरह गोल्जी अपरेटस भी जो है ये फ्लैट सैक्स है। किस तरह के होते हैं, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। रिमेंबर दिस इज अ सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लेट्स से कि हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यूजुअली, जैसे हम ड्रॉ करते होते हैं, साथ हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बना लेते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ न्यूक्लियस के भी करीब ये गोल्जी अपरेटस मौजूद होते हैं बेटा, इन दिस फॉर्म, देखिएगा ध्यान से, ऐसे फ्लैटेंड सैक्स की फॉर्म में, फ्लैट सैक्स की फॉर्म में ऐसे, इस तरह से ये मौजूद होते हैं। नाउ दिस इज एक्चुअली योर गोल्जी अपरेटस, अब ये किस तरह का होता है, विजुअली किस तरह का नजर आता है, सेल के अंदर ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, सेल को समझाने के लिए मैं हमेशा एक रूम की या फैक्ट्री की एग्जांपल देता होता हूं, और जैसे एक फैक्ट्री में या किसी प्रोडक्शन यूनिट में जो भी चीज बने, जो भी मटेरियल बने, उसको पैक करना जरूरी है, उसकी पैकिंग बहुत जरूरी होती है। सिमिलरली सेल में जो मटेरियल्स बनते हैं ना, उनकी पैकिंग करना भी बहुत जरूरी होती है। अब यहां पर दो सवाल हैं, पहला सवाल यह है कि सेल में मटेरियल्स बनाता कौन है, और दूसरा सवाल यह है कि सेल में मटेरियल्स को पैक कौन करता है। तो एज फार एज द मटीरियल प्रोडक्शन इज कंसर्न, देखिए सेल के अंदर जो फैक्ट्री है ना मटीरियल बनाने की, वो राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक्चुअली मेन प्रोडक्शन हो रही होती है मटीरियल्स की। अब यहां पर रोल आता है गोल्जी अपरेटस का, जो कि सेल में जो भी मटीरियल बनता है बेटा, उसको पैकिंग करने का काम करता है, उसको पैक करने का काम करता है। सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा, वो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चल के गोल्जी अपरेटस तक आएंगी और गोल्जी अपरेटस उनको कर देगा पैक। नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस, पैकिंग ऑफ द मटीरियल्स। इसमें एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक टर्म तो है इस गोल्जी अपरेटस के इंडिविजुअल यूनिट्स की। देखिए ये जो पूरे का पूरा मटेरियल है यहां से लेके यहां तक, इसको हम बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। बट अगर हम इसके इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करें, लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो इनके लिए हम एक स्पेशल नाम देते हैं बेटा, सिस्टर्नी का। नाउ दीज आर एक्चुअली द सिस्टर्नी, दीज इंडिविजुअल यूनिट्स। अब होता क्या है कि ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मटेरियल्स को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल ये मटेरियल बना, ये मटेरियल गोल्जी के पास आता है और गोल्जी इस मटेरियल को पैक कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। मटेरियल गोल्जी ने पैक कर दिया, अब ये मटेरियल सेल से रिलीज होना है तो रिलीज हो जाएगा,
और किसी पार्ट में जाना है तो और किसी पार्ट में चला जाएगा. सो एज फॉर एज द फंक्शन ऑफ द गॉल्जी इज कंसर्न्ड, भाई गॉल्जी का फंक्शन है पैकिंग ऑफ मटेरियल्स. नाउ दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द गॉल्जी, पैकिंग ऑफ द मटेरियल्स. जो भी मटेरियल सेल में प्रोड्यूस हुआ है उसकी पैकिंग. अच्छा, जब ये पैकिंग हो जाती है ना तो एक बड़ी कमाल की स्ट्रक्चर बनती है जिसमें इंटरनली वो मटेरियल मौजूद होता है जिसको पैक किया जाना था और उसके ऊपर एक पैकेट चढ़ा होता है, एक लिफाफा चढ़ा होता है. इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हम, मेरा बेटा एक नाम देते हैं, हम कहते हैं दीज आर द गॉल्जी वेसिकल्स. ये गॉल्जी की बनाई हुई वेसिकल्स हैं. सो एक्चुअली होता यह है कि गॉल्जी में मटेरियल आता है, गॉल्जी उसको पैक करता है और अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं गॉल्जी वेसिकल्स. नाउ दीज गॉल्जी वेसिकल्स आर रेडी टू बी ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड ऑफ द सेल और इनसाइड ऑफ द सेल. अगला हमारा ऑर्गेनेल है बेटा लाइसोसोम. बिल्कुल गॉल्जी की तरह हम इसी सीक्वेंस में लाइसोसोम्स को भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे. और सबसे पहली बात जो मैं लाइसोसोम्स के बारे में करने वाला हूं दैट इज के इनकी डिस्कवरी किसने की थी. एक इटालियन साइंसदान थे जनाब, उनका नाम था रेनी डी ड्यू. रेनी डी ड्यू वो साहब थे जिन्होंने लाइसोसोम्स की डिस्कवरी की थी. इन्होंने सबसे पहले बताया कि लाइसोसोम्स भी कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेल में मौजूद होते हैं. लाइसोसोम्स के बारे में इंटरेस्टिंग बात बेटा ये है कि दे आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स. ये एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होते. अभी जब मैं इनका फंक्शन डिस्कस करूंगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये प्लांट्स में मौजूद क्यों होते हैं, एनिमल्स में मौजूद क्यों नहीं होते. एक और इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में ये है कि दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड. ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं. ये बनते हैं जनाब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब इनकी प्रोडक्शन हो जाती है बेटा तो ये उसके बाद आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में ऑपरेट करने. सो दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आफ्टर दैट दे ऑपरेट इन साइटोप्लाज्म. अब सवाल यह है कि इनका फंक्शन क्या है, इनका बॉडी में, इनका सेल में रोल क्या है. रोल समझने से पहले आप इस इनकी स्ट्रक्चर को समझिए जरा फॉर इंस्टेंस. और इनकी स्ट्रक्चर में अहम बात यह है कि इनके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं. वो इंजाइम्स जो डाइजेशन के लिए जरूरी हैं वो काफी ज्यादा मिकदार में, अ वैरायटी ऑफ द एंजाइम्स, अ प्लेंटी ऑफ द एंजाइम्स लाइसोसोम्स में मौजूद होते हैं. और इनका एक्चुअली काम होता है डाइजेशन का. अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मौजूदगी से आई होप आपको इनका फंक्शन क्लियर हो गया होगा कि इनका फंक्शन होता है ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल, ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टिव मटेरियल. देखिए एनिमल सेल जो होता है ना वो प्लांट सेल की तरह सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाता. एनिमल सेल का मैकेनिज्म ये होता है कि उसमें फूड आती है, वो उसको डाइजेस्ट करता है और उससे फिर वो एटीपी बनाता है. अब एनिमल सेल्स के अंदर मैकेनिज्म ये होता है कि जैसे ही कोई फूड आएगी, कोई फूड मटेरियल आएगा सेल में, तो ये लाइसोसोम उसके ऊपर अटैक करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसको ब्रेकडाउन करेंगे और उसको छोटे छोटे मटेरियल्स में कन्वर्ट कर देंगे जिसको बाद में डाइजेस्ट करना, उससे एनर्जी निकालना आसान होगा. अब ये लाइसोसोम्स बाहर वाले मटेरियल्स पे कैसे अटैक करते हैं आइए देखते हैं. सो सेल के अंदर लाइसोसोम्स बेटा कुछ इस तरह के नजर आते हैं. दे आर एक्चुअली द सर्कुलर राउंडेड स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोड्यूस होते हैं. एक्चुअली डाइजेस्टिव एंजाइम पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंजाइम बने, वो गॉल्जी के पास आते हैं, गॉल्जी उनको पैक कर देता है, पैकेट की शक्ल दे देता है. अब ये बन गए लाइसोसोम्स. नाउ दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये मौजूद है. अब इमेजिन कीजिए कोई पार्टिकल आ गया बाहर से, कोई फूड पार्टिकल आ गया, जैसे ही इनको ये फूड पार्टिकल नजर आता है ये भाग के जाते हैं उसकी तरफ और उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ के उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और उसको बिल्कुल ब्रेकडाउन कर लेते हैं. इतना ब्रेकडाउन कर लेते हैं कि उसको बाद में डाइजेस्ट करना ईजी हो जाता है. समटाइम्स जो सेल के ओल्डर पार्ट हैं उनको डाइजेस्ट करने का भी ये काम करते हैं. मिसाल के तौर पर सेल को ऐसा लगा कि मेरा कोई ओल्डर पार्ट, मेरा को माइटोकॉन्ड्रिया, मेरा को क्लोरो
क्लोरोप्लास्ट तो नहीं, वो प्लांट्स में होता है, शाबाश। मेरा कोई ओल्डर पार्ट नकारा हो गया, काम नहीं कर रहा, मेरा ऑर्गेनेल नकारा हो गया, आई नीड टू गेट रिड ऑफ इट, तो वो लेगा लाइसोसोम की हेल्प, और लाइसोसोम उस ऑर्गेनेली को भी बिल्कुल उसी तरह डाइजेस्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ देयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे वो बाहर से आने वाले मटेरियल को करते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।